स्मगलिंग के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सक्रिय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक संदिग्ध व्यक्ति से तकरीबन 1 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान पांचपौली पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि बारसे नगर कलकत्ता रेलवे लाइन के पास 2 युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उनमें से एक संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई, जबकि दूसरा मौके से ही फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी राहुल संतोष वालम बंशी से 1 किलो 50 ग्राम गांजा, मोबाइल और 500 रुपए, ऐसे कुल 18,250 रुपए का माल जब्त कर लिया गया है। जबकि आरोपी के भाई चेतन संतोष ग्वालामवंशी की तलाश में पुलिस जुट गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह गांजा कहां से लाया गया था और किसे पहुंचाया जाने वाला था। दिनांक 27 तारखेला पुलिस स्टेशन पाचपौली जे तपास पथकातील अधिकारी एसआय मनपिया, पुलिस हवालदार विजेंद्र यादव व त्यांच्या पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली होती की एक संशयित काहीतरी घेऊन फिरून राहिला। अशा माहितीवरून पंचांसमक्ष रेड कारवाई केली असता चेतन संतोष ग्वालवंशी याच्या ताब्यात 1 किलो 50 ग्राम गांजा, किमती 2,000 रुपये, मोबाईल आणि गांजाची किंमत 15,750 रुपये आणि त्याच्या खिशात 500 रुपये नगदी, असा एकूण मुद्देमाल जे आहे 18,250 रुपये त्याच्या ताब्यात मिळून आला। त्याच्यावर NDPS कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे व आरोपीस अटक केलेली आहे। याबाबत तपास सुरू आहे। सध्या आरोपीवर रेकॉर्ड आहे, परंतु NDPSचे गुन्हे नाही आहे, दुसरे प्रकारचे गुन्हे दाखल आहे त्याच्यावर, रेकॉर्डेड क्रिमिनल आहे त्याच्यावर। या संदर्भात अजून तपास सुरू आहे आणि माहिती गोळा करणं सुरू आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।